हाय गाइस, माय सेल्फ आरके मौर्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रो क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजेस। गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपीटेट, सीटेट और सहायक अध्यापक भर्ती के जितने जो सिलेबस के सभी टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजेस। तो अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियों के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है और इसके जनक कौन से हैं। आइए देखते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है, या फिर वेल्थ ऑफ नेशन कौन है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देने वाले कौन है। तो वो इन तीनों का जवाब सिर्फ एक ही है, एडम स्मिथ। और नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो हम देख लेते हैं कि किसी चीज का कितना उत्पादन करना है तथा किस भाव में बेचना है, यह बाजार तय करता है, न कि सरकार। सरकार तो इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ की उत्पादन कितनी मात्रा में करना है और किस रेट में बेचना है। ये तो एक ढंग का तानाशाही हो जाता है कि वो अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, जिससे महंगाई, वो हमेशा जो है ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, बस इतना जानिए फिलहाल कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किस चीज़ का कितना उत्पादन करना है और उसको किस भाव में बेचना है, यह बाज़ार तय करता है। बाज़ार तय करने का मतलब जो उद्योगपति रहते हैं, जो पूंजीवादी लोग रहते हैं, वो तय करते हैं और इस मामले में सरकार हस्तक्षेप भी नहीं करती है। राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है वो देख लेते हैं। नहीं, राज्य अर्थव्यवस्था मतलब ये एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कार्ल मार्क्स के जी के द्वारा दिया गया है, जो कि 1818 ईस्वी में दिया गया था। तो राज्य जो अर्थव्यवस्था है इसमें दो मुख्य अर्थव्यवस्था आती है, जो फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो सेकंड है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था मतलब एक राज्य में, एक स्टेट में, या एक कंट्री में, एक देश में कैसी अर्थव्यवस्था रहनी चाहिए, उसके बारे में जो है कार्ल मार्क्स जी ने अपने विचार दिए हुए हैं 1818 ईस्वी में। तो इन्होंने बताया कि दो ढंग की अर्थव्यवस्थाएँ हो सकती है, फर्स्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है और सेकेंड साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक नियंत्रण होता है, अर्थात इसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पाद व वस्तु कीमत तय करने में पूर्णतः सरकार के अधीन होती है। यानी कि जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें कोई भी प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनाया जाए और किस रेट पे बेचा जाए जो है, यह जो डिसीज़न सरकार प्लस जो उद्योगपति होते हैं उन दोनों लोगों की उसमें भूमिका होती है, जो कि जबकि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई प्रोडक्ट कितनी बनाई जाए, किस रेट में बेची जाए, इस मामले का जो पूर्ण अधिकार होता है यह सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास होती है और सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है। यानी कि एक ढंग से देखा जाए तो लोगों का विचार ही सरकार का विचार होता है। अतः समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, जबकि साम्यवादी में पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वही अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है और वो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिनके जनक जॉन मेनार्ड केन्स जी को कहा जाता है।
इन्हें पूंजीवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप कहा जाता है, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था को आपस में मिलाने पर जो अर्थव्यवस्था क्रिएट होती है, जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि भारत में जो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। तो रिजर्व बैंक के पास, नोट निगम विभाग के पास जो है, हर वक्त 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है भाई? भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वह कौन प्रकाशित करता है? तो वह प्रकाशित करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंडर ऑफ RBI, फाउंडेशन ऑफ RBI। तो RBI का फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। किस बैंक में कोई खाता खोल नहीं सकता? वो कौन से बैंक है जिसमें कोई भी खाता नहीं खोला जा सकता? तो वो होता है RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी बैंकों का रेगुलेटर है। सभी बैंकों को जो है कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, उस रूल को RBI ही क्रिएट की रहती है। अगर उस रूल के अनुसार सभी बैंक, चाहे यूनियन बैंक हो, SBI बैंक हो, चाहे IDFC बैंक हो, चाहे HDFC हो या फिर कोटक हो, तो कोई भी प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, सभी बैंकों को RBI द्वारा जो बनाए गए रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको बैंकिंग करनी होती है। अगर उसमें कुछ गलती करते हैं तो RBI उनके ऊपर अपने हिसाब से फाइन लगाती है। जैसी उनकी गलती रहती है वैसे उनके ऊपर फाइन लगाई गई रहती है। जैसे कि जो ट्राई है, तो ट्राई जितने भी दूरसंचार की कंपनियां हैं आपका, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, या फिर जो मतलब अभी आइडिया और वोडाफोन तो खैर मिल चुके हैं आपस में, BSNL है, तो इन सब का रेगुलेटर कौन है? तो इन सब का रेगुलेटर ट्राई है। ट्राई के जो रूल क्रिएट किए उसके हिसाब से इन दूरसंचार कंपनियों को जो है चलना होता है। अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलती है तो ट्राई अपने हिसाब से उनके ऊपर फाइन लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो RBI में कोई भी खाता नहीं खोल सकता, बल्कि खाता आपका यूनियन बैंक में खुल सकता है, SBI में, जितने भी प्राइवेट बैंक है, जितने भी सरकारी बैंक है, जितने भी सहकारी बैंक है, तो ऐसे बैंकों में खाता खुल सकता है। अब बात करें सहकारी बैंक क्या होती है, तो सहकारी बैंक वो है जो जो कि केंद्र और स्टेट राज्य मिल के चलाते हैं, उनको सहकारी बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? इसके जस्ट अभी डिस्क्राइब किया, तो वो कौन है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। किस बैंक द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है RBI बैंक द्वारा। 10 के नोट पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो RBI मुख्य होते हैं उनका हस्ताक्षर रहता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति RBI बैंक बनाती है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, 1949 में हुआ। देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो NK सिंह जी हैं। शैक्षिक विकास सूचना सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के चार उच्चतम स्थान वाले राज्य देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्थान है वो केरल का है। ठीक है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के चार उच्चतम स्थान वाले राज्य, यानी कि जो शैक्षिक दर है, पढ़ने लिखने की जो दर है किसी भी राज्य में,
उस दर के हिसाब से जो है नंबर वन पे है केरल राज्य, जहाँ पे 93.91 यानी कि लगभग 94% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, उसके बाद पंजाब, और चौथे नंबर पे स्थान आता है दिल्ली का। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। एक्चुअली ये अपने देश के पहले वित्त मंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत की खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। यानी कि भारत के जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी कि विदेशी जो मुद्रा है उसको अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर अवैध ढंग से उसका ट्रांजैक्शन करना ही हवाला कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो हवाला के जो पैसे होते हैं उस पे कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं कि ड्रेन का सिद्धांत क्या है। द थियोरी ऑफ ड्रेन, थियोरी ऑफ ड्रेन, और ड्रेन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के पिता भी किसको कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी जी को ही कहा जाता है। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1961 से लेकर 1967 तक चली थी वह सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना थी। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं इसलिए चलाई जाती थी कि एक मिशन या फिर एक उद्देश्य डन कर लिया जाता था कि ईच 5 वर्ष के अंतर्गत इन इन ये सुविधाएं जो है देश में लाना है। लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जैसा सोचा गया था उससे बहुत ही कम प्रोग्रेस हुआ था। एनएनपी क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि अपने अपने देश में जो है जो उत्पादन होता है एक वर्ष में वही आपका एनएनपी कहलाता है। आइए और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन वो देख लेते हैं कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। आप लोग जनसंख्या पे मत ट्रिक लगाइएगा। नेक्स्ट, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है। तो ऐसी मुद्रा को, ऐसी करेंसी को हार्ड करेंसी कहते हैं कि जिसकी आपूर्ति जो है तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि जितना सप्लाई किया जाता है उस सप्लाई से लोगों का काम नहीं हो पाता, डिमांड बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होती है, तो यह हार्ड करेंसी कहलाती है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो ऐसी करेंसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फ्रेंडमैन योजना का अनुकरण करके तैयार की गई थी। यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी भारत की वह सोवियत संघ के फ्रेंडमैन योजना से प्रेरित होके बनाया गया था या तैयार की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या टोटल 26 है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, कब हुई थी? तो 1915 में जो है इसकी घोषणा हुई थी।
सॉरी 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट है, जन योजना बनाई थी, जन योजना किसने बनाई थी, एम एन राय जी ने बनाई थी 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, किसने किया था, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। दहेज विरोधी अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ था, तो 1961 ईस्वी में दहेज विरोधी अधिनियम लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और समाजवादी समाज से मतलब है कि एक ऐसा समाज जिसपे सरकार व वहाँ के रहने वाले लोगों के हाथ में शासन की बागडोर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2000 में अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ था। अब कहाँ से हुआ था, ये गाजियाबाद के सिखोड़ा नामक गांव से हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण या उदारीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ होना, यानी कि गवर्नमेंट प्लस जो निजी क्षेत्र हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका एक साथ होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे आपका इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक वृद्धि का आधार है, तो आर्थिक वृद्धि का जो आधार है वो उत्पादन है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, पूंजी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब बात करें बुक की, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, इसको मुद्रा स्फीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब किसी भी वस्तु की कीमत जब कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही हो तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, कि आयात निर्यात बंद, यानी कि एक ऐसा देश जो कि न किसी देश को निर्यात करता है और ना ही किसी देश से वो आयात करता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और देख लेते हैं सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन है, तो जय प्रकाश नारायण जी सर्वोदय योजना के संस्थापक हैं। कुछ और पॉइंट वो देख लेते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो वो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने से मतलब ये है कि अपने देश का, संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, इसका अनुमान लगाना ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कहते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।